मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक है। ठीक है, आज हम ओरल हेल्थ अवेयरनेस के कुछ सीरीज के लेक्चर्स हैं, वो हम रोज हर फ्राइडे या हर बेसिकली हर वेडनेसडे को हम ना एक 8 या 10 स्लाइड पे मुश्तमिल हम एक लेक्चर सेशन कहते हैं। बेसिकली अवेयरनेस सेशन होता है, तो उसका एक कंपोनेंट लिया करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ है। ठीक है, तो अगली बार से इंट्रो भी नहीं होगा, ठीक है, अगली बार से जस्ट टॉपिक की हम ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो बताने का मकसद ये, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आप जो जितने भी मेरे मौजूद इस चैनल पे जितने डेंटिस्ट हैं, ठीक है, और जितनी भी पब्लिक देख रही है इसको, जनरल पब्लिक, ये उन सबके लिए होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोराइड, या फ्लोराइड की रोल क्या है, हमारा रोल क्या प्ले करती है ओरल हेल्थ में। ठीक है, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, कि फ्लोराइड का रोल क्या है, ठीक है, ओरल हेल्थ के अंदर। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक है, एंड आई एम ग्रेजुएट एंड आई एम डन बीडीएस। तो इसको मैं शुरू करता हूँ, बस बताइए। चलिए, तो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। फ्लोराइड है क्या? जी, फ्लोराइड क्या होती है? फ्लोराइड इज द आयनिक फॉर्म ऑफ फ्लोरीन। फ्लोराइड इज बेसिकली द आयनिक फॉर्म, आयनिक से मतलब ये आयंस की फॉर्म में जो होता है फ्लोरीन, उसको हम फ्लोराइड कहते हैं। इट हैज टू मेन रोल्स इन हेल्थ, कहता है इसके दो अहम रोल होते हैं आपकी डेंटल हेल्थ में। पहला पॉइंट क्या है जी? प्रिवेंशन ऑफ डीमिनरलाइजेशन। ये एक तो प्रिवेंट करता है डीमिनरलाइजेशन से, बेसिकली आपके जो दांत होते हैं ना, वो मिनरलाइज होते हैं, मेनली फॉस्फोरस एंड कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ना दूध से ना, दूध पीने से आपको पता, फ्लोराइड से इसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। जब आप फ्लोराइड यूथ इंटेक लेते हैं ना, तो फिर आपको पता होगा बेसिकली जो केरीज में होता है, केरीज में आपको मिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन हो रही होती है, लेकिन कैरीज में डीमिनरलाइजेशन हो रही होती है, या फ्लोराइड जो एंटी कैरीज होता है ना, तो ये उनको प्रिवेंट करता है मिनरलाइज डीमिनरलाइज होने से, ठीक है, दांतों को। ठीक है, पहली चीज ये होगी। फिर वो कहता है इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ रीमिनरलाइजेशन, और फिर कहता है प्रमोट भी करता है रीमिनरलाइजेशन। बेसिकली जब आप फ्लोराइड की इंटेक ले रहे होते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ योर टूथपेस्ट या इन द फॉर्म ऑफ योर क्या नाम है, आप कह लें दूध में, तो उसमें ये होता है कि आप अपने दांतों को मजबूत कर रहे होते हो बाय प्रमोटिंग द रीमिनरेशन, उसकी मतलब रीमिनरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं कि एंड थ्रू हिज इट हैज एंटी कैरीजेनिक एक्शन। ठीक है, तो मेन बात आपको मैं यहाँ पे करूंगा वो ये है कि इसका एंटी कैरियोजेनिक एक्शन है। एंटी कैरियोजेनिक एक्शन, ये एक एमसीक्यू भी आ जाता है, व्हाट इज द फ्लोराइड एक्शन कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एंटी कैरियोजेनिक। एंटी कैरियोजेनिक मींस इट इज एंटी कैरियस, ये कैरीज को लगने नहीं देता, मुंह पे कीड़ा नहीं लगने देता। ठीक हो गया, ये यहां तक आई होप सो यू गाइस आर क्लियर विद मी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कहता है जी एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट होता क्या है? अब उसको कहता है जी इसके चार तरह के मैकेनिज्म होते हैं, इस तरीके से अकर होता है। ठीक है, एक होता है रैंडलिंग एनेमल मोर रेजिस्टेंट टू एसिड डिसोल्यूशन, कहता है एनेमल को इतना ज्यादा रेजिस्टेंट बना देता है कि एसिड डिसोल्यूशन से। एसिड डिसोल्यूशन क्या होती है? बेसिकली आपके दो चीजें, ये बहुत एमसीक्यू आते हैं, ये पार्ट कह लें आप पार्ट 1 का एग्जाम होता है ना आपके एमसीक्यू का, उसमें भी आपसे हमेशा एमसीक्यू आता है, और जनरली भी लाइक हम जनरल प्रैक्टिशनर्स को या फिर बीडीएस ऑल डेंटल स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि एंटी कैरोजेनिक इफेक्ट में क्यों कौन से मैकेनिज्म होते हैं। पहला जो मैकेनिज्म मोर कॉमनली है, वो कहता है कि फ्लोराइड जो होता है एनेमल को रेजिस्टेंट बना देता है, मतलब उसको मजबूत कर देता है, और उसको एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है ना गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू द केमिकल प्रोसेस, ठीक है, तो उससे उसको एरोड एरोड से मरा होता है, दांत को गलने नहीं देता या दांत में कीड़ा लगने नहीं देता। ठीक है, तो उसकी एनेमल जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना हमारे दांतों के आगे, तो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, अच्छा आगे कहता है जी एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, तो फ्लोराइड का कहता है जी एक एंजाइमेटिक एक्शन भी होता है, कि एंजाइमेटिक एक्शन ये होता है कि वो ठीक है एंजाइम प्रमोट कर रहा है डीमिनरेशन को, एक और डीमिनरेशन को डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसका एंजाइमेटिक एक्शन है। फिर रिड्यूसिंग द सरफेस एब्जॉर्प्शन बाय एनेमल, कहता है फिर वो रिड्यूस कर देता है सरफेस एब्जॉर्प्शन, बेसिकली जब आपका कीड़ा लगता है उसमें आपके कीड़ा जो होता है दांत की सरफेस में लगता है, तो कहता है उसकी सरफेस को एब्जॉर्प्शन कम कर देता है एनेमल को, इतना रिसेंट ना देता। ठीक है, एंटी कैरियस। फिर कहता है मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ मॉर्फोलॉजी, फिर कहता है तो मॉर्फोलॉजी की मॉडिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, आगे कहता है ये एनेमल रेजिस्टेंस टू एसिड, कहता है एनेमल जो होता है रेजिस्टेंस टू एसिड, तो पहला पॉइंट हम ध्यान में पड़ेंगे वो किस तरह, कहता है फिलिंग ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन एनेमल। अच्छा, कहता है ये किस आता है? जब आप एनेमल की अंदर जो आपके लेयर्स के ऊपर होते हैं सबसे टॉप ऑफ पेज पे कीड़ा लगा हुआ, तो उसमें आप अपनी फिलिंग करवा लो जीआईसी की, तो उसके उसके थ्रू आपका एनेमल रेजिस्टेंट हो जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, मोर परफेक्ट क्रिस्टल टू फॉर्म विद लेस सरफेस एरिया, कहते हैं आप कंप्लीट फिलिंग कर लो लेकिन लेस सरफेस एरिया के साथ, मतलब उसको पॉलीमराइज इंजेक्शन ना कराओ ना उसको गैर उसके वजह से कर दो तो ये बेहतरीन जाती है। फिर कहता है मोर रिमिनरेशन, रिमिनरेशन अगर ज्यादा होती है तब भी एनेमल जो है रजिस्टर रहता है एसिड से। अगर फर्स्ट एक बंदा रोज ब्रश कर रहा है फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर रहा है और दूध की इंटेक अच्छी रखी हुई है, तो उसके दांत वैसे ही खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट मकसद ये है।
आगे मूव करते हैं एंजाइमेटिकेशन। एंजाइमेटिकेशन ये होता है जी फ्लोराइड रिलीज ग्लूकोज अपटेक ऑफ द बैक्टीरिया। फ्लोराइड जो है वो ग्लूकोज को रिलीज करता है जिससे बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं ना, ठीक है। व्हेन बैक्टीरिया गॉट डिप्लीटेड ऑफ एंजाइम्स सोल्यूशन में, जब बैक्टीरिया के पास ना अपनी बाइल की ना शुगर सप्लाई कम हो जाती है, इट पॉलीसेकेराइड्स मेटाबॉलिज्म इनहिबिटेड ड्यू टू व्हिच एसिड प्रोडक्शन रिड्यूसेस। जब बेसिकली जब जब ये टू डो रोल्स है, ठीक है, इस पहले अंदाज में बोलूं तो ये होता है कि जी बैक्टीरिया वो चाहिए होती है शुगर की सप्लाई अपने काम करने के लिए। जब शुगर की सप्लाई कम होती है तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है, मतलब अपना काम करना बंद हो जाता है, तो वो एसिड बेसिकली कम प्रोड्यूस करेगा। तो जितनी आप शुगर इनटेक ज्यादा रखेंगे या कोल्ड विंग्स और इस तरह की मीठी चीज ज्यादा खाएंगे तो आपका मुंह में दांत कीड़ा लगने के चांस ज्यादा इस तरह हो जाएंगे, क्योंकि जी ये जो आपके बैक्टीरिया मुंह के वो फिर आपको प्रोड्यूस करेंगे ये अपने मेटाबॉलिज्म पॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म से जो है एसिड बनाते हैं, तो बेसिकली एसिड कम बनाएंगे। तो आप एसिडिटी के भी ज्यादा उन लोगों को मसले होते हैं जो कि ज्यादा डोनट्स या लेट नाइट जागते रहते हैं या जो मीठा ज्यादा खाते हैं, डिप्रेशन एंगजाइटी के शिकार होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसका मकसद ये बताने का ये था। इफेक्ट ऑफ सरफेस एडसॉर्प्शन, कहता है इफेक्ट ऑफ सरफेस एडसॉर्प्शन इसका होता है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लोराइड इन हाइड्रोक्सिल आयंस हाइड्रेट सरफेस चार्ज ड्यू टू, कहता है जब आप फ्लोराइड बेसिकली हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल होता है, ये एक फार्मूला है, जस्ट मुझे 1 मिनट दे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके शायद हो सकता है कि कहीं पेपर में आ जाए और आप लोग कहेंगे ये हमें उन्होंने डाइट में कराई थी तो आपको फायदा हो जाए। बेसिकली जो आपका एनेमल है ना उसका स्ट्रक्चर सा बना हुआ AsO4 इसका फॉर्मूला इस टाइम, ठीक है ना। लेकिन हमने मुझे याद है कि आप कैल्शियम फॉस्फोरस को बनाया था CaPO4 and 6 by 2 है, इस तरह का फॉर्मूला इसका, ठीक है, ये जस्ट आपको बताने बता रहा हूँ। अच्छा उसमें कैल्शियम है ना, अब वहां से जब फ्लोराइड आता है तो फ्लोराइड कैल्शियम लग जाता है, फ्लोराइड का क्रिस्टल तो लगता है, तो फ्लोराइड जो होता है हाइड्रोक्सिलाइन के साथ जब अटैच होता है तो वो सरफेस चार्ज को रिड्यूस कर देता है और उसमें ना प्लैक की डिपोजिशन कम हो जाती है। कहने का मकसद यह है कि इससे फायदा ये होता है कि आपकी फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोराइड बॉन्ड ज्यादा अच्छा करता है उसके साथ, ठीक है, तो वो फिर दांत को खराब नहीं देगा और वहाँ पे कीड़ा नहीं लगेगा, इससे सरफेस एडसॉर्प्शन कम होगी, तो बेसिकली प्लाक के वॉश होने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को लाइक वी आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड तो मॉर्फोलॉजी का क्या करते हो, जब फ्लोराइड इनकॉर्पोरेशन रिड्यूसेस का फाइट करता है, जब फ्लोराइड की आप इनकॉर्पोरेशन करते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक टेकिंग माउथ वॉश या इन द फॉर्म ऑफ टूथब्रशिंग, उससे होता है क्रस्ट की हाइट रिड्यूस हो जाती है, फिशर डेप्थ रिड्यूस हो जाती है एंड इंक्रीज फिशर विड्थ, और फिशर विड्थ से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है रिड्यूसिंग द केरी सस्पेक्ट, तो उससे होता है कि आप केरी के लगने के चांस वैसे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आज की हमारी एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप सो, ये सिर्फ 8 स्लाइड्स का था, तो आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर किसी कोई क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन लिंक्डइन एज वेल एज ऑन माय मैसेंजर, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, रमजान खत्म हो रहा है, ये रमजान में जस्ट मेरी एक पहली वीडियो थी, इंशाल्लाह आप इस तरह की सीरीज ऑफ वीडियोस आप ओरल हेल्थ अवेयरनेस के टॉपिक पे हर वेडनेसडे को अपलोड होती रहेंगी चैनल पे, ठीक है। काइंडली इसको जरूर देखिएगा, अगर तो फायदेमंद हो तो जरूर अपने दोस्तों और अपने सर्कल्स में इसको सदका जारिया के तौर पे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ अपने बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।